व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है मेरा बर्थडे, तो मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ, अपना एक मोमेंट्स बना रहा हूँ। तो उस सब को मैं आज रिकॉर्ड करूँगा, जो आज के मेरे बर्थडे के मोमेंट्स होंगे, जो भी होगा, जो हम लोग इन्जॉय करेंगे, उन सब को रिकॉर्ड करूँगा और शायद आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, सो के जैसे ही उठा मैंने सोचा तुरंत स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग को, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अभी तैयार होने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं पार्टी के लिए नहीं, पहले तो मेरी बहन का एग्ज़ाम है तो मैं उसको यूनिवर्सिटी छोड़ दे जाऊंगा और उसके बाद आके हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, पार्टी के लिए रेडी होना शुरू करेंगे। कपड़े तो कल आ ही चुके हैं और डेकोरेशन भी जो है वो नीचे हो चुकी है, तो हम लोग को बस क्या करना है, रेडी होने का है। तो रेडी होंगे और उसके बाद सीधे लोगों का इंतज़ार करेंगे, जैसे लोग आएंगे उसके बाद शुरू करेंगे पार्टी। ओके, एंड हाँ, उससे पहले एक और चीज़ वो ये है कि अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रेस द बेल आइकन जो आपको नीचे दिख रहा होगा रेड कलर में, उसको प्रेस करके मेक इट ग्रे। सो चलिए अब चलते हैं आगे पार्टी की ओर, देखते कैसा लगता है आज, कैसा मज़ा आता है, कैसा जाता है हमारा बर्थडे। और कमेंट में अगर हो सके तो प्यार अपना बांट देना यार। चलो लेट्स गो फॉर द पार्टी एंड गेट रेडी फॉर द पार्टी। Always be the light things unused. So guys, I am all set and ready for the party. ये है मेरा आउटफिट आज का, और मैं आपको अभी डेकोरेशन दिखाता हूँ। नीचे जो मैंने डेकोरेशन जो की है बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई है, और अब बज रहा है 12 और अब सब लोग आना शुरू हो रहा है। अभी शायद बेसिकली आशुतोष और सचिन आने वाले हैं, तो उन लोग का वेलकम करते हैं और उसके बाद पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। मज़ा आएगा ब्रो, आज बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो पकड़ के बना करो हमारी एज बढ़िया से। के बोल रही है तो मैं कुछ जा के लूं तो मिलूं वो, अगर कुछ भी ले रहा होगा ना तो ये नहीं कहेगा कि मुझे वो उसका कहेगा मुझे डिस्काउंट डिस्काउंट पीछे पड़ जाएगा, मतलब हम लोग नॉर्मली लेते हैं, मैं चल ठीक है वो डिस्काउंट लेके तब लेगा। खाने बनिया पैदा हो मतलब कोई यार।
रोमांटिक मोड है ना। हाँ क्या किया जाए बताओ। अब क्या भाई मजा तो बहुत आया भाई, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। शॉर्ट ब्लॉग डाल देना इसको, लेकिन फिर कोई दिक्कत शॉर्ट ब्लॉग शॉर्ट भाई 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 यार दो निकला जाए साथ ही में फिर बनाऊंगा। ओके तो अब हम ये चाहते हैं कि अब आप खाना खा लीजिए, आ जाइए। अंग्रेजी की तैयारी तुम्हारी बिजी है ये है जिनका बर्थडे है। अबे तुम ही ले लो यार खाना, अबे खा लो। नहीं अबे एक साथ नहीं, अबे एक साथ ही चलेंगे ना फिर खाना वाना खा के। अब वापस हम घर ही नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें भाई? देखो खाना चल रहा है और खाना खाने के बाद हम लोग निकलने वाले, मैं और भाई। हाँ निकल ले कुछ नहीं नहीं अबे इसका लेट हो जाएगा हम जानते हैं, लेकिन आज मेरा भाई समझा भाई, हम लोग रहेंगे तो यार तुम नहीं लोगे अबे अभी ठीक ठीक के काटने चलेगा खाने जाए सारा काम से। फिर भी कितने बजे ये बताओ तुम? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ भाई मेरे से बात करो। 8:30 भाई यार नहीं यार खा लो खा लो खा लो खा लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही भाग रहे सब। Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to me. Let me tell you, not because my eyes are. So this is the gift by my sister Ria. और ये gift है मेरी friend शालिनी की तरफ से comfort. और ये विनीशा की तरफ से। अब इसको अनरैप करते हैं इन सब दोनों गिफ्ट्स को। और बाकी सब ने भी यही सब दिया है। बाकी पहले ये तो चॉकलेट जो है तो मेल्ट हो गई है, उसको सबको पहले इसको फ्रीजर में लगा लेते हैं। भाई लोग गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया है, तो हम लोग गिफ्ट की जो है वो अनरैपिंग करते हैं। लेकिन हाँ ये एसी जो ये आवाज़ कर रहा है, अगर साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा मेरा एसी जो है वो ख़राब हो गया है। तो गिफ्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गिफ्ट ये मेरी बहन की तरफ से रिया, चॉकलेट है बॉडविल। और फिर है दूसरा गिफ्ट हमारी दोस्त विनीशा की तरफ से। थैंक यू विनीशा, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस गिफ्ट। एंड फिर है ये गिफ्ट अधिराज, शालिनी और ईशानी की तरफ से। थैंक यू ईशानी, थैंक यू अधिराज, शालिनी, कम्फर्ट। तो पहले इसी को खोलते हैं। चलो रेड है तो रेड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बर्थडे भी मैंने रेड कलर ही पहना था। तो एक सेकेंड इसको खोलते हैं। एक तो ये कैडबरी डेरी मिल्क सिल्क है, लेकिन यार ये सही में सिल्क हो गई है, क्योंकि इसका जो ये काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है। इसको पहले तो फ्रिज में रखवा लेते हैं। ये कंफर्ट का गिफ्ट खुल चुका है और देखते हैं क्या है। अरे यार पॉप परफ्यूम, मुझे परफ्यूम भी बहुत पसंद है। थैंक यू कंफर्ट, थैंक यू अधिराज, एंड थैंक यू ईशानी, थैंक यू वेरी मच यार। चलो परफ्यूम। एंड अब है बारी विनीशा तुम्हारे गिफ्ट की, इसको भी खोलते हैं जल्दी से। यार पहले मुझे गिफ्ट ना बहुत बहुत ज़्यादा मिलते थे, बट लगता है जैसे हम लोग बड़े होते जाते तो लोग गिफ्ट देना ही
छोड़ देते हैं, बट ये पता नहीं क्यों ऐसे लोग करते हैं। बड़ा हो जाता आदमी तो क्या उसको गिफ्ट पसंद नहीं है क्या? गिफ्ट तो सही बताएं तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, गिफ्ट देना चाहिए यार। पता नहीं लोग क्यों गिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि गिफ्ट मिलने के टाइम वो जो बचपना अंदर से आता है ना, वो एक्साइटमेंट जो आता है ना, वो किसी भी मोड में आ सकता है। तो मुझे तो गिफ्ट बहुत टाइम हो गया मिले हुए, वरना मम्मी मेरी दी थी, दिया करती थी, बट कोई नहीं इस बार भी मिला। थैंक यू जिन लोगों ने गिफ्ट किया। चलो ये विनीशा का गिफ्ट खुल रहा है, कम टू द टॉपिक। विनीशा का गिफ्ट है, ये क्या है? कुछ फूल उल टाइप का लग रहा है, कोई डायरी है क्या? क्या है से खोल देते हैं। एक सेकेंड। अरे ओ माय गॉड, ये तो एक फोटो फ्रेम है। वाह यार, थैंक यू यार, थैंक यू विनीशा फॉर द फोटो फ्रेम। बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा है। वाओ सही यार, इसमें मैं मम्मी की फोटो लगा लूंगा। थैंक यू विनीशा फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच। और कंफर्ट अधिराज, शार्ली अमीन और ईशानी, सबको थैंक यू। जो लोग आए वो लोग भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब लोग पार्टी में मेरे आए, दिल से अच्छा लगा। और गिफ्ट्स के लिए भी थैंक यू। पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है एंड टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 हो रहा है एंड आई एम सुपर टायर्ड यार, बहुत थक गया हूँ। पार्टी में बहुत मज़ा आया, बस जो कह सकते हैं कि कमी जो लगी वो ये थी कि पार्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई यार। मैंने सबसे कहा था कि 9 बजे तक का टाइम रखना, बट नहीं रख पाए, सब लोग घर जाना था, वही सब था। कम से कम 9 बजे तक पार्टी चलती तो ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई नहीं, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सब आए जिनका एक्सपेक्टेड नहीं किया था वो भी आए। इसमें मैं प्रदीप का मेंशन करना चाहता हूँ, प्रदीप भाई का नाम मेंशन करना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो था कि तुम कंफर्म नहीं था कि तुम आओगे कि नहीं, बट तुम आ गए, अच्छा लगा। जितने लोग आए बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया। और आई विश कि अगला बर्थडे भी ऐसे ही मिला जाए, और आने वाले जितने बर्थडे भी हैं वो सब ऐसे ही जाएं, सब आते रहें, सब मिलते जुलते रहें। तो मैं तो अब जा रहा हूँ सोने एंड कल है कॉलेज, कल से वापस से वही रेगुलर रूटीन शुरू। आज का दिन यार, और कल की रात, कल का दिन तो बड़ा मौज मस्ती में निकल गया 2 दिन, आज फिर से सब कुछ वही से शुरू, कल से। तो सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रेस द बेल आइकन जो आपको नीचे दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको प्रेस करके ग्रे कर दो और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।